नमस्कार। अब हम जब DSO की बात करने जा रहे हैं तो आप DSO नो डाउट पूरा यूजेस तो सीख लेंगे, लेकिन जैसे ही आपके पास कोई नया ऑसिलोस्कोप आप नया खरीदते हो, सबसे पहला काम आपका ये है कि इसको इसको सेल्फ कैलिब्रेट करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में आया हुआ है, वहाँ से नो डाउट सेल्फ कैलिब्रेटेड किया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ रिसीव करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर चीज़ करनी पड़ेगी जो बिल्कुल बेसिक है। हम ऑसिलोस्कोप स्टार्ट करके आपको सबसे पहला वो फंक्शन सिखाते हैं। ये मैंने ऑसिलोस्कोप स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास जो मॉडल है DS1054Z, ऊपर आपको 4 चैनल, 1 GB सैम्पल्स पर सेकंड एंड 50 MHz दिख रहा है, बट ये हमने हार्डवेयर की के थ्रू इसको 100 MHz में ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है। वो कैसे कन्वर्ट होता है वो भी वीडियो थोड़े टाइम में मैं आपको बना के दे दूँगा। हम एक एक वीडियो में धीरे धीरे सारे फंक्शंस वन बाय वन सीखते जाएंगे, ठीक है? और ये तभी आपके साथ कामयाब होगा कि आप सामने ऑसिलोस्कोप लेके जो जो बटन हम प्रेस करते जा रहे हैं आपको भी साथ साथ में उसको यूज़ करते जाना है, ताकि आप उसमें यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगे। अब जैसे ही कोई आपने नया ऑसिलोस्कोप लिया है, आप प्रॉम्प्ट लगाओ, कुछ भी टेस्टिंग करो, सबसे पहला आपका काम ये है, आपको इधर जो दिख रहा है यूटिलिटी बटन, हियर इट इज़, यूटिलिटी में जाना है, सिस्टम में जाना, इधर सिस्टम दिख रहा है, उसके नीचे और दिख रहा है सेल्फ कैलिब्रेशन, यानी कोई भी ऑसिलोस्कोप आपकी दुकान में आया है, आपने ख़रीदा है, सबसे पहला आपका काम ये बनता है कि इसको सेल्फ कैलिब्रेट किया जाए। तो मैं अब सेल्फ कैलिब्रेट के बटन को दबाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कनेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑल इनपुट्स, यानी आप यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ लगानी नहीं है, कोई वायर लगा हुआ नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऑसिलोस्कोप ऑन होना चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट का बटन दबा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप को सेल्फ कैलिब्रेट करेगा, जो थोड़ा लंबा टाइम लेता है, लेकिन इसको पूरा ख़त्म होने देना है, तभी आप प्रॉपरली मेजरमेंट और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो मैं इधर जा रहा हूँ, स्टार्ट डिस्कनेक्ट एवरीथिंग एंड ऑल इनपुट्स, राइट? अब इधर आपको दिख रहा है कि उसका सेल्फ कैलिब्रेशन का बटन स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा टाइम लेता है, तकरीबन 2 से 2.5 मिनट, बट इस प्रोसेस को पूरा ख़त्म होने दीजिए। उसके बाद हम सीखेंगे प्रॉम्प्ट्स, 1x क्या है, 10x क्या है, कैसे कहाँ प्रॉम्प्ट लगेगा, उस प्रॉम्प्ट को भी हम कैसे कैलिब्रेट करेंगे, क्या करेंगे, वन बाय वन सीखते जाते हैं, ठीक है? तो इस प्रोसीजर ने अराउंड 10 से 11 मिनट ली, और यहाँ पे अब लिखा हुआ आ रहा है सेल्फ कैलिब्रेशन इज़ डन, प्लीज़ रिस्टार्ट योर मशीन, सो जस्ट डू द एग्ज़िट, ठीक है? अब इसको हम बंद कर देंगे और एक बार फिर से ऑन कर देंगे। तो ये एकदम बेसिक फंक्शन था, हाउ टू सेल्फ कैलिब्रेट ऑसिलोस्कोप। मे बी मोस्टली यूज़र्स आर अवेयर अबाउट इट, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन हम जो भी करेंगे पूरा बेस से एक एक बटन से स्टार्ट करेंगे। तो हमने आज सीखा सिर्फ सेल्फ कैलिब्रेशन ऑफ योर रिगल ऑसिलोस्कोप। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।